बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर दो दिवसीय संक्रांति महोत्सव का आगाज हो चुका है। देश भर में मकर संक्रांति महापर्व की धूम है। देश भर में श्रद्धालु बड़े हर्षोल्लास और भक्तिभाव से मना रहे हैं ये पर्व, और रामनगरी अयोध्या में भी मनाया जा रहा है पर्व। बड़े हर्षोल्लास के साथ भगवान राम की नगरी में ये पर्व मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई है, और ये देखिए तस्वीरें, कड़ाके की ठंड में भी हरिद्वार और सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। गंगा घाटों पर उमड़ा है श्रद्धालुओं का हुजूम, और ये तस्वीरें देखिए, और सुबह से ही श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, और मकर संक्रांति पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, नदी और तालाबों में पुण्य स्नान कर रहे हैं आस्थावान। और जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अयोध्या के सरयू घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद है सुबह से ही कड़ाके की ठंड में, और धर्मनगरी हरिद्वार भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, जहां मां गंगा में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। हरिद्वार में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, और प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए हैं। और अधिक जानकारी के लिए हरिद्वार से संवाददाता नरेश तोमर जी हमारे साथ में जुड़ गए। नरेश तोमर जी, कड़ाके की ठंड में सुबह से ही हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, कैसा माहौल है और किस प्रकार से ये महापर्व मनाया जा रहा है? नरेश तोमर जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी नरेश तोमर जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मनीष जी बोलिए। जी बिल्कुल नरेश तोमर जी, आज सुबह से ही हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं श्रद्धालु बड़े आस्था भाव से स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, और ये महापर्व मना रहे हैं। आपके वहां पर क्या माहौल है और किस प्रकार से महापर्व मनाया जा रहा है? देखिये मनीष, आपको बता दे के मकर संक्रांति का महापर्व है, साल का पहला स्नान है, और ये 14-15 तारीख दो दिन पड़ रहा है। देखे पुरोहितों के अनुसार मनीष, ये कल मनाया जाएगा। तो देश के कोने कोने में त्योहार कई नामों से मनाया जाता है, जैसे कि गुजरात में उत्तरायण, दक्षिण भारत में पोंगल, और उत्तर भारत में खिचड़ी नाम से ये त्योहार प्रचलित है। इसके साथ ही हरिद्वार में लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु सुबह 4 बजे से ही आज भारी संख्या में पहुंच चुके हैं, और सहित अन्य घाटों पर गंगा स्नान कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मनीष, आज के दिन गंगा घाट पर गंगाओं में स्नान करने से 7 जन्मों के पापों का हरण होता है, क्योंकि माँ गंगा उत्तराखंड में अब तक विधि धाम के बाद सर्वप्रथम मैदानी भाग में जब माँ गंगा हरिद्वार पहुंचती है तो उनका जो रूप है अलग ही दिखाई देता है। और कहते हैं कि हरिद्वार तीर्थ में स्नान करने से मकर संक्रांति के दिन पुण्य के लाभ मिलते हैं। मनीष जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए नरेश जी आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में मकर संक्रांति महापर्व का आगाज है, धूम है, देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ आस्था के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। दो दिवसीय ये पर्व है, और धर्मनगरी हरिद्वार में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं स्नान करने के लिए। हरिद्वार माँ गंगा में आस्था की डुबकी श्रद्धालु लगा रहे हैं, वहीं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भी श्रद्धालु पहुंचे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए हैं। तो दो दिवसीय मकर संक्रांति महोत्सव का आगाज हो चुका है, भगवान श्री राम की नगरी में मनाया जा रहा है ये पर्व। देश भर में मकर संक्रांति पर्व की धूम है।